ये तो खाली पड़े। क्या हुआ? वो देखो नजराए, ये मोबाइल में देखो आप नजराए, वो कितने ज्यादा माशाल्लाह डेविड के बच्चे ही बच्चे हो गए। तीन ये छह वो नौ, चार ब्लैक वाली के नौ और चार तेरह और चार सत्रह बच्चे माशाल्लाह रैबिट के हो गए हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है तो दोस्तों, थोड़ा सा ये घास है हमारी बेला और स्नो बेल, उनके बच्चे ब्लैक रैबिट और ब्लैक बच्चे हमारी। ये लो भाई आ जाओ, इंतजार में बैठे हुए थे जी। यार ये क्या है, ये ब्लैक, ये क्या चीज है, ये क्या है? बाकी यार सुबह तो नहीं था ये, क्या यार है ये ब्लैक है ये तो यार। यार ये सारा वाइट वाइट भी हुआ पड़ा है, ये देखो इतना। इसने बच्चे तो नहीं दे दिए यार? पता नहीं यार, ये तो कमजोर भी काफी हो गई है ना, बच्चे देने वाली थी, मोटी ताजी थी। मकसूद भाई चेक करो, सजाद भाई तो दोस्तों अभी तक नहीं आए, मेरे साथ मकसूद भाई हैं। दुआ करो और अल्लाह करे बच्चे आए हों इधर। ये उठा दो, हाँ इसको ऐसे कर दो पीछे कर दो। इसमें देखो बच्चे तो नहीं है, ये तो खाली पड़े। क्या हुआ? ओ भाई क्या है यार, क्या नजर आ गया मकसूद भाई, क्या चीज है? चुप क्या है शादी, इसने तो बच्चे दिए हुए हैं। किधर? ये देखें, सही छोटे हैं। नहीं वाकई? हाँ जी हाँ जी। ओए दोस्त मकसूद भाई तो पहले तो डर गए। ओए माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे अंदर कोई सांप वगैरह है, और काफी सारे हैं हमारे ब्लैक वाली रैबिट के बच्चे। वाओ दोस्तों माशाल्लाह, आए थे इधर आओ। बच्चे आए हुए हैं देखो, वो देखो नजर आए, ये मोबाइल में देखो आप नजर आए, वो कितने ज्यादा माशाल्लाह। सुबह एक एक उठाओ, उठा लोगे? डर लगता है पीछे हो, आप मोबाइल पकड़ो मैं दिखाता हूँ। मकसूद भाई ने तो दोस्तों हमें डरा ही दिया था, बच्चे देख के ऐसे भागे, मैं तो समझा अंदर कोई सांप वगैरह आ गया और हमारे रैबिट को खा रहा है ये। वैसे ना कह रहा मैंने पहली दफा रैबिट के बच्चे देखे हैं इतने छोटे छोटे, मैं आप सबको दिखाता हूँ, भाई तो नहीं उठा रहे। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह, वो माशाल्लाह कितने हैं देखो, ये पकड़ो मोबाइल शाह भाई। ओ सिद्धार्थ भाई कह रहा हूँ दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट है हमारे स्नो बेल के साथ और बेला के साथ। इधर रखता रहता हूँ, ठीक है निकालू के ना निकालू? निकालो यार, मुझे तो अजीब चीज लग रही थी ये तो। आज मैंने पहली बार दूसरा ये क्या रिजल्ट बनेगा मकसूद भाई, ब्लैक एंड व्हाइट। तीसरा दोस्तों, काफी सारे बच्चे दिए हुए हमारे ब्लैक वाले रैपिड ने, काफी सारे आए, इधर आओ दिखाऊ माशाल्लाह। चौथा पांचवा छठा माशाल्लाह और है नहीं दोस्तों, और नहीं है, एक दो तीन चार पांच छह बच्चे माशाल्लाह ब्लैक वाली रैपिड ने। इसने दोस्तों ये छोटी सी ने ये आप देखे भाई, देख लिया आपने, रख दूं मैं तो दोस्तों। अभी पहला दिन ही है, इनको मैं रख देता हूँ, वो ना इनको हवा वगैरह लगे और कोई मसला बन जाए, जब थोड़ी सी आंखें खोलेंगे ना फिर देखेंगे, तब तक हम ना व्हाइट वालों के बच्चे देख लेते हैं। मकसूद भाई आपने तो हमें ड्रा ही दिया था, मैं क्या पता नहीं क्या नजर आ गया इन्हें दोस्तों। फिलहाल हम ना वापिस रखते हैं, दो तीन दिन बाद देखेंगे, हम ना व्हाइट वाले बच्चे देखते हैं कि उनकी आंखें वगैरह खुली कि नहीं। आजो भाई आजो माशाल्लाह, अभी तो थोड़े से देखते हैं कैसे बनेंगे बेल और स्नो बेल। और स्नो बेल की और ब्लैक वाली रैबिट के दोस्तों क्रॉस है ये, अंगूरा का और सादा का, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो कहाँ जा रहे हो आ जाओ माशाल्लाह दोस्तों, बिग गुड न्यूज दे दी हमारी ब्लैक वाली रैबिट ने, पहले भी सरप्राइज दे दिया था इसने, इसका मेल नहीं था, इसने बच्चे दे दिए, अब भी इसने व्हाइट के साथ बच्चे दे दिए। सुबह आगे आओ, अब दूसरे बच्चे देखें माशाल्लाह व्हाइट वाले बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, दिखाता हूँ ये देखो माशाल्लाह है, दो है, तीसरा कहाँ गया? एक बच्चा नहीं है दोस्तों, दो है, एक बच्चा कहाँ गया? एक उसमें था, उस वाले इधर है एक। हाँ जी। ये इधर कैसे पहुंच गया, भूखा मर जाता है ये तो, एक उधर पहुंच गया दोस्तों। इसके काम देखें, अब इसकी आंखें भी नहीं खोली और इतना शरारती है ये भी आप देख ले माशाल्लाह, कितने क्यूट बच्चे हैं। चले मैं इनको भी वापस रख रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत क्यूट है ना, हमें इस घर बनाएगा दोस्तों बहुत ज्यादा।
हैं, ये तीन ही हैं बेटा, ये देखे तो थे हमने पहले। इस घर का हमें दोस्तों इतना ज्यादा फायदा हो गया कि तो रैबिट के बच्चे ही बच्चे हो गए। तीन ये छह हो नौ, चार ब्लैक वाली के नौ और चार तेरह और चार सत्रह बच्चे माशाल्लाह रैबिट के हो गए हमारे पास। रौनक लग गया, हमारा रैबिट हाउस तो फुल हो गया दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। मकसूद भाई तो दोस्तों ऐसे भाग गया उधर से, और हमारा दिलबर भी भोगने लग गया। दिलबर तुझे क्या हुआ था? आयत भी डर गई, मैं भी डर गया दोस्तों, और हमारा दिलबर भी डर गया, बकरियां भी डर गई। क्या हुआ था आपको? यार मुझे ऐसे लगा पता नहीं कोई अजीब चीज है, चामचड़ी नहीं होती जैसे। आपने पहली दफा देखे थे? मैंने पहली दफा देखे, और ऊपर से पहली दफा देखे और ऊपर से ब्लैक, वाकई डरने वाली तो बात थी ना दोस्तों। इधर ना अंडा भी एक टूटा हुआ है। ये क्यों टूटा हुआ है, क्या वजह है? ये खराब हो गया है ब्लैक। और इधर ये तीन तीन अंडे दोस्तों पता है क्यों है? ये भी खराब हुआ पड़ा है। मकसूद भाई इसको तोड़ना अंडे को, आराम से आराम से। बच्चा तो नहीं है, मर गया, अंडा ही मर गया है ना। हाँ, फिश के नीचे ना दोस्तों मैंने डक्स के अंडे रखे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो हमने इसराइली पेड़ के नीचे रखे थे ना, ये दोबारा अंडे उतारने की कोशिश कर रहा था। डक्स के बच्चे निकले नहीं थे, ये उठ गए थे अंडों से। मैंने कहा वो ना अंडे खराब हो जाए, तो इसलिए दोस्तों मैंने अंडे उठा के ब्लैक डैनिश के नीचे रख दिए थे, और ब्लैक डैनिश के अंडे वैसे ही खराब हैं। तुम्हें भी भूख लगी हुई है? सुबह मैं इनको डाल दिया था दाना दोस्तों, अब शाम हो गई है तो शाम के खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और देखो कैसे खड़े हुए हैं सेफ्टी रूम की जो विंडो है उसके अंदर। तो ये थोड़ा सा घास मैंने लिया है दोस्तों, ये मैंने डालना है अपनी बकरियों को। ये लो भाई डायमंड, हेलो इधर आओ डायमंड। डायमंड को दोस्तों सुबह मैंने दूध नहीं पिलाया, इसको भूख लग रही होगी, जो भी है इसने अपनी माँ के पेट से ही पिया है। लेकिन हमारा डायमंड दोस्तों माशाल्लाह घास भी खाना स्टार्ट हो गया, वो देखे आप। ये जाओ डायमंड को खिला दो, आए तो अंदर से चली जाओ, जाओ जाओ उधर चले जाओ, जाके खिला दो जाओ। बस है ना दोस्तों, थोड़ा थोड़ा खाता है, ऐसे बड़ा ही खूबसूरत लगता है दोस्तों माशाल्लाह। आए तो वो देखो तंग हो रहा है। मकसूद भाई वो दरवाज़ा खोल दो तो ये जाके इजीली खा ले। उधर से जाओ, जाओ डायमंड को खिला दो, और बाकी मेमे को भी खिला दो, जाओ। नज़र आ रहा है ना दोस्तों आपको, हमारा डायमंड माशाल्लाह खाना खाने लग गया है। दोस्तों ब्लैक वाली के जो तीन बड़े बच्चे हैं ना, वो भी बाहर आए हुए हैं, दो बच्चे वाइट वाले के आए हुए हैं, और माशाल्लाह पीछे भी बच्चे निकले हुए हैं। कुछ ही दिनों में दोस्तों उनके बाल शाल आ जाएंगे, हम देखेंगे कि उनका ब्लैक ही कलर है या ग्रे कलर है। मुझे ना जो ब्लैक बच्चे निकले हैं ना, ब्लैक फीमेल के इसके बच्चे, मुझे दोस्तों इस दफ़ा लग रहा है कि वो ना ग्रे कलर के बनेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि दोस्तों वो ब्लैक नहीं है, थोड़े से ग्रे शेड दे रहे हैं, मेहंदी कलर भी बीच में वो दे रहे हैं। अल्लाह करे कोई और ही कलर आए और मज़ा आए दोस्तों। ग्रीन नहीं ब्लैक हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ब्लैक वाली फीमेल तो हमारी बहुत ही अच्छी है। भर दो काफ़ी काफ़ी डाल दो ना, मैं खोल दूँ यार इनको ना, भूख लगी। आ जाओ भाई, आ जाओ खा लो। काफ़ी शोर कर रहे थे सारी मुर्गियाँ, डक्स ग्योना फोल, इतना ज़्यादा शोर हुआ था दोस्तों। वीडियो में तो बहुत ज़्यादा कम आता है, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको खोल दिया, इनको प्यास सुबह खिला के बंद कर दी थी, तो अब इनको दाना पानी डाल दिया, तो ये दाना भी रख दिया इनके लिए। ये वो मुर्गी है दोस्तों जिसके बच्चे हमने अलग कर दिए, क्योंकि अच्छी केयर उनकी नहीं कर रही थी, इसने काफ़ी सारे बच्चे मार दिए हैं। मैंने कहा जो पांच रहते हैं वो तो बचे रहे ना, तो इसलिए दोस्तों इसको अलहदा कर दिया बच्चों को। इसको मुझे लग रहा है खुद को ख़ारिश है जो बच्चों को लग गई है दोस्तों। और तुम्हें किसने बंद कर दिया इधर? और इसने माशाल्लाह दोस्तों अंडा भी दिया हुआ है। जाओ जाओ जाओ, कल भी मैंने इधर से अंडा उठाया था और आज भी। तुम्हें तो नहीं खोलना, मैंने तुम तो इधर बंद ही रहो, तुमने उठना है। बच्चे खोल दें दोस्तों, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। नहीं कुछ कहती, डाल दो थोड़ी सी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल बुखारी पेट हाउस को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।